दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं यूट्यूब पर डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करता रहता हूँ लाइब्रेरी की ट्रेनिंग और वैकेंसी के लिए। तो आज वैकेंसी निकल के आई है AC पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से निकल के आई है ना। ये आपका प्राइवेट कॉलेज का है, उससे आपका वैकेंसी निकल के आई है जो कि कहाँ नवी मुंबई में है। और इसमें जो वैकेंसी निकल के आई है आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो वैकेंसी आई है लाइब्रेरी की निकल के आई है। और लाइब्रेरी की जो वैकेंसी नीचे देखिए आपको यहाँ मिल जाएगी है ना, सबसे नीचे आइएगा तो सबसे नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे लाइब्रेरियन की पोस्ट है। टोटल एक पोस्ट है ना, एक पोस्ट है और एक पोस्ट आपको अप्लाई करना है। और इसमें जो है ओपन है, सबके लिए भर सकते हैं आप, कोई भी कैटेगरी के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपको अप्लाई कैसे करना है तो पहले आप यहाँ देख लीजिए कि 3/8/2023 को ये निकला हुआ है। ये पब्लिश डेट जो इसका है 3/8/2023, यहाँ ऊपर में सबसे लिखा हुआ है। और इसका जो लास्ट डेट आपको रहने वाला है 15 दिन तक रहने वाला है, जब पब्लिश होता है उसके 15 दिन तक आपका लास्ट डेट है भरने का। तो आज 3 का निकला है, इसका आपको 18 तक लास्ट डेट है। आप 18 अगस्त से पहले पहले इसको भर कर लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी इसको भर के, भरना क्या है आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है मैं बता दे रहा हूँ। लिखा है द पोस्ट रिजर्व टू बैकवर्ड कैंडिडेट्स हैज बी फिल्ड बाय बैकग्राउंड कैटेगरी कैंडिडेट्स डोमिसाइल मैट्रिक्स। ठीक है, आपको ये पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको फॉर्म को भरना है। भरने के लिए आपको यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन, इसमें आपको ऑफलाइन के थ्रू, डाक के थ्रू, आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको भेजना है। तो अपने जितने भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी है आपके पास, जितने पे स्केल अगर मान लीजिए कहीं काम के उसका पे स्केल होगा, वहाँ का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर सारे को आपको प्रेसिडेंट जवाहर एजुकेशन सेक्टर सोसाइटी AC पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्लॉट नंबर 17 सेक्टर 4 खारगढ़ नवी मुंबई 410210 within 15 days, मतलब आपको इस 15 दिन के अंदर, जिस दिन आपको पब्लिश हुआ, मतलब 3 तारीख को पब्लिश हुआ है, आपको 18 तक हार्डली इसको भेज देना है। सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आपको इसको भेज देना है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं देना है इसके लिए। और डायरेक्ट इसमें भर्ती होगा, अगर आप इसमें चूज किए जाते हैं तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आपके मैसेज पर या फिर मेल पर आपको इंटरव्यू के थ्रू, आपको इंटरव्यू का जो जानकारी होगा उसको मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको कर दिया जाएगा। इसलिए आपका मेल, ईमेल और अपना मोबाइल नंबर दोनों एक नंबर सही डालिएगा, क्योंकि इससे आपको मैसेज आएगा। ठीक है, ज़्यादातर सबको देखा गया है कि मेल पर ही आता है मैसेज, तो अपना मेल नंबर सही डालिएगा और इसी पे आपका ज्वाइनिंग कभी भी होगा तो इसी पे लेटर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।